हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अ चैनल सॉल्यूशन। हमने अभी जस्ट वीडियो में अपलोड किया हुआ था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, और इसमें हमने बात किया था बेसिक इंट्रोडक्शन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसमें हमने ये देखा कि जितने भी ड्रग हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं वो बेसिकली या तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल या तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल को अफेक्ट करके अपना एक्शन शो करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर का, उनका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और अदर्स, और उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के अकॉर्डिंगली, जैसे हिस्टामिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक, इस तरह से हम न्यूरोट्रांसमीटर को क्लासिफाई करने वाले हैं। हम शॉर्ट में सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या हैं और उनका काम क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का कहने का मतलब यह है कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि न्यूरॉन्स में पाए जाएंगे और न्यूरॉन्स में किसी भी मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स या इन द फॉर्म ऑफ मैसेज के एक पार्ट से दूसरे पार्ट या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर करने का काम करेंगे। ये बेसिकली प्रीसिनेप्टिक नर्व एंडिंग पे पाए जाते हैं, और जब कभी कोई स्टिमुलस आता है तो उसके स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ये रिलीज होकर के पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं और वहां पे प्रेजेंट अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल सिग्नल अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं तो ये सिग्नल प्लस रिसेप्टर इज इक्वल टू अ बायोलॉजिकल एक्शन में ये कन्वर्ट होते हैं और वो ये अपना एक्शन शो करते हैं जिसका उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। और ये क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये हमने पिछले वीडियो में बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, उनका लोकेशन क्या है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और उनकी जो प्रॉपर्टी है या उनका नेचर है वो कैसा है। अगर हम बात करते हैं नेचर की तो हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को बेसिकली एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहने का मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो कि अपने रेस्पेक्टिव पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे बाइंड होंगे और उनके बाइंड होने के कारण से जो उनकी मेम्ब्रेन होगी उनकी परमेबिलिटी ऐसे आयंस के लिए बढ़ जाएगी जो कि पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे यानी कि कैटायंस के लिए होंगे, तो इसे कहते हैं हम एक्साइटेटरी। इसी को ही एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक नर्व इम्पल्स यानी कि ईपीएसपी कहते हैं। और वैसे ही एक दूसरा टर्म है इनहिबिटरी, ये भी अपने नाम के हिसाब से अपना काम को शो कर रहा है। इनहिबिटरी मतलब ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर या आईपीएसपी मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर का प्रोसेस जहां पे जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा होगा तो उसके बाइंड होने से वहां की जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो ऐसे आयंस के लिए ज्यादा बढ़ जाएगी जो कि नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं जैसे कि क्लोराइड, और इसी को कहते हैं हम इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक नर्व पोटेंशियल या सिंपली पोटेंशियल यानी कि आईपीएसपी। तो ये उनके दो क्लासिफिकेशन है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की कि कौन कौन से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं और कौन कौन से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। फ्रेंड, ये जो क्लासिफिकेशन है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी का, ये आपके आगे आने वाले जितने भी ड्रग्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब आप देखेंगे कि जो लोकल एनेस्थेटिक के जैसे जनरल एनेस्थेटिक हैं वो किस पर्टिकुलर रिसेप्टर के पॉइंट पे काम करते हैं, जितने अल्कोहल को ठीक करने वाले ड्रग हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, जितनी सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग हैं उनका लोकेशन क्या है, वैसे ही एंटी एंजाइटी ड्रग, पार्किंसन ड्रग, इनका क्या मैकेनिज्म होता है, आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए हमने तीन चीजों को यूज किया हुआ है। पहला है हमारा हमेशा की तरह डायग्राम, दूसरा है उस डायग्राम से मैच करता हुआ एक्शन पोटेंशियल का एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन, और फिर हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, एंड एट द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने समरी से हटा करके, सब स्पेसिफिक पैराग्राफ से हटा करके एक समरी के फॉर्म में पॉइंट वाइज आपके लिए शॉर्ट में कंक्लूड किया हुआ है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको शॉर्ट में नोट्स बना सकें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जितने भी सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके एग्जांपल क्या हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी या मिसेलेनियस यानी कि अदर्स के। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्साइटेटरी की तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर का बाइंडिंग जो कि पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायंस आयन को मूव करने की जो स्पीड है, मूव करने की जो एबिलिटी है यानी कि परमेबिलिटी है, इसको इंक्रीज करते हैं। और ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल हमारे पास है ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। ग्लूटामेट और एस्पार्टेट जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनका डायग्राम आप यहां पे देख सकते हैं। ये क्यों एक्साइटेटरी हैं आपको अभी हमने बताया था, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट या ग्लाइसिन ये दोनों जब अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं तो ये चैनल्स की ओपनिंग को ओपन करते हैं और ये अलाउ करते हैं कि यहां से सोडियम या पोटेशियम चार्ज आए। तो यहां पे जो आप चार्ज देखने वाले हैं ये पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, सोडियम
या तो पोटेशियम उसी तरह के पॉजिटिव चार्ज वाले आयन्स एक्स्ट्रा टू इंट्रा मूव करेंगे थ्रू NMDA रिसेप्टर। NMDA रिसेप्टर को फॉलो करते हुए ये जो रिसेप्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लूटामेट और हमारा ग्लाइसिन बाइंड होगा और पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायंस को मूव कराएगा, जिसकी वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की, तो ऑल सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड हो और उनके बाइंड होने की वजह से जब वो चैनल खुले तो उस चैनल से ऐसे आयंस मूव करें जो कि नेगेटिव चार्ज वाले हों, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि इनहिबिटरी पोस्टसिनैप्टिक इम्पल्स, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे इसको आप दोबारा देखेंगे तो इनके एग्जाम्पल हैं गाबा और ग्लाइसिन जो हमारे बात करते हैं। ये ग्लाबा और ग्लाइसिन है, तो यहाँ पे हमने बताया था ग्लाइसिन का, तो यहाँ पे जो पोटेशियम के बारे में बात की, पोटेशियम का जो इन्फ्लक्स है और वो आपके लिए यानी कि पोटेशियम का जो आउटपुट होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ से लेकर के जाएगा, तो गाबा के बाइंड होने पे यानी कि ग्लूटामेट के बाइंड होने पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे जैसा आपने देखा, और ग्लाइसिन के बाइंड हो जाने पे पोटेशियम का इन्फ्लक्स होगा और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी कि रिपोलराइजेशन का स्टेप स्टार्ट होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले ट्रांसमीटर्स की जो कि अदर यानी कि मिसेलियस कैटेगरी में रखा गया है, वो है नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, 5-HT, एसिटाइलकोलीन, हिस्टामीन, एडिनोसिन और एंडोकेनाबिनोइड्स। ये कुछ एग्जांपल हैं अदर टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर की, जिनका हम क्लासिफिकेशन अब थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। ये तो क्लासिफिकेशन या टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी टाइप के। अब हम बात करते हैं ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को हम उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि उनकी कैटेगरी के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के मेन क्लास के बारे में देखेंगे, फिर उनके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के बारे में वापस से स्टार्ट करना शुरू करेंगे कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर उस कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। मेन क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड कैटेगरी के, दूसरा है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, तीसरा है हमारा एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, चौथा है हमारा हिस्टामिनिक न्यूरोट्रांसमीटर, पांचवा है हमारा ट्रिप्टामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर और छठवां है हमारा इंपॉर्टेंट न्यूरोपेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये हमारे 6 मेन कैटेगरी हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर के रेस्पेक्टिव एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर आप बात करते हैं अमाइनो एसिड की, तो इसके अंदर हम बात करते हैं गाबा, ग्लाइसिन, बीटा एलानिन, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट की। ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं। अगर आप बात करते हैं सेकंड नंबर कोलिनर्जिक की, तो इट इज़ वेरी वेल नोन क्योंकि हमने इससे पहले ही ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा है। कोलिनर्जिक के अंदर का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइलकोलीन, और एडिनर्जिक के अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर एग्जांपल हैं डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन। उसके बाद जो हिस्टामिनिक न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनका एग्जांपल नाम से क्लियर होगा, आपको अंदाजा भी हो गया होगा, इट इज हिस्टामीन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रिप्टामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की, तो इनके एग्जांपल हैं 5-HT और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके अंदर काफी सारे न्यूरोट्रांसमीटर इंक्लूड किए गए हैं वो है हमारा न्यूरोपेप्टाइडेज, और इसके अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल हैं एंडोर्फिन्स, सोमेटोस्टेटिन्स, वैसोप्रेसिन, ब्रेडिकाइनिन और एंजियोटेंसिन 2। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं हमारे इस तरह की कैटेगरी के। अब अगर हम बात करते हैं कि हम गाबा के जो रिसेप्टर है इनको कैसे डिनोट करेंगे, फ्रेंड्स गाबा का रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग काफ़ी सारे जो ड्रग हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे उनके काम करने का मेन साइट है, मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही गाबा को अफेक्ट करके है। इस गाबा के डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास 5 सब यूनिट हैं, इनमें आप देखेंगे 2 अल्फा यूनिट है, 2 बीटा यूनिट है और एक हमारा गाबा है, तो प्रकार से 3 यूनिट है। नंबर की अगर आप बात करेंगे पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे 5 यूनिट हैं। अगर आप कैटेगरी की बात करेंगे तो 2 अल्फा, 2 बीटा और 1 गामा हमारे पास हैं। ये रेस्पेक्टिव ड्रग के बाइंडिंग साइट हैं और ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से तरह के ड्रग किस साइट पे बाइंड करते हैं और कहाँ पे बाइंड करके वो अपने क्लोराइड चैनल को ओपन करते हैं। क्लोराइड चैनल को ओपन करने के लिए उन ड्रग का उनके स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन यानी कि बाइंडिंग साइट पे बाइंड होना बहुत जरूरी है। चलिए एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो आप देखेंगे कि अल्फा पे बेसिकली
जितने एनाल्जेसिक ड्रग हैं, जनरल एनाल्जेसिक ड्रग हैं, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग हैं, वो यहाँ पे बाइंड करके अपना एक्शन शो करते हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे बीटा पे, तो जितने भी आपके बारबिट्यूरेट हैं वो यहाँ पे बाइंड होते हैं, यानी कि बीटा को अपन बोल सकते हैं दिस आर द बारबिट्यूरेट बाइंडिंग साइट। इसके बाद अगर आप अल्फा के इस तरफ की बात करेंगे तो वो वहाँ पे गाबा के ड्रग के बाइंडिंग की जगह होती है। उसके बाद हमारा जो बीटा है वहाँ पे बेंजोडाइजेपिन बाइंड होते हैं और बेंजोडाइजेपिन का वो बाइंडिंग साइट है। ये ड्रग अपने रेस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट पे बाइंड होकर के ये जो क्लोराइड चैनल आप देख रहे हैं पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है इस तरह से वो वहाँ पे बाइंड होने के बाद वो खुलता है और खुलने का जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है उनके पोलराइजेशन स्टेट्स पे या फिर हाइपर पोलराइजेशन स्टेट्स पे। जब ये चैनल ओपन होगी तो इसके अंदर से क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की ओर मूव करेगा और हमारा जो एक्शन है वो प्रोड्यूस होगा उस रेस्पेक्टिव ड्रग का। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या होगा एक्शन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल होता क्या है और इसमें कब पोलराइजेशन और कब डिपोलराइजेशन होता है। फ्रेंड्स, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी कई बार वीडियो में अपलोड किया हुआ है, एक बार शॉर्ट में और रिपीट करते हैं। जैसे ही ये हमारा एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग स्टेट में होता है और जब कोई स्टिमुलस आता है जिसकी पोटेंसी इतनी होती है कि वो एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट कर सके, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के आते ही, सोडियम चार्ज के आते ही हमारा जो एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है वो ऊपर की ओर बढ़ता है और इसे हम कहते हैं फेज टू, यानी कि आपका डिपोलराइजेशन। स्टिमुलस हमेशा पहले होगा, कई बुक में आपको स्टिमुलस को एज अ नंबर वन नहीं देगा, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, या आप डिपोलराइजेशन को फर्स्ट दे सकते हैं या स्टिमुलेशन को भी फर्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां से ग्राफ हमारे माइनस से ऊपर पॉजिटिव मिलीवोल्ट की ओर बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिपोलराइजेशन। उसके बाद प्लेटो फेज होगा जिसको हमने यहाँ पे शो नहीं किया है, नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड होगा या पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड होगा, यानी कि पोटेशियम चैनल के थ्रू पोटेशियम आपके सेल के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का कम होना या नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा होना दोनों ही इस बात के लिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे हमारा रिपोलराइजेशन हो रहा होगा। एक्चुअली दिस इज अ पोलराइजेशन, चूंकि ये दोबारा हो रहा है, इस ग्राफ के पहले ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन। और रिपोलराइजेशन में नेगेटिव चार्ज आएगा, डिपोलराइजेशन में धन यानी कि पॉजिटिव, रिपोलराइजेशन में ऋण यानी कि नेगेटिव चार्ज अंदर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लोराइड चैनल की ओपनिंग थोड़ी ज़्यादा देर तक बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा अमाउंट में बाहर से अंदर आते हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो चार्ज है एक्शन पोटेंशियल का वो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर बढ़ जाता है और इसी को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। फ्रेंड्स, पोलराइजेशन मतलब होता है नेगेटिविटी का बढ़ना और हाइपर मतलब ये अपने आप दिखा रहा है कि उस पर्टिकुलर चीज़ का ज़्यादा होना जिसके पहले ये हाइपर वर्ड लगा है। तो हाइपर के पीछे लगा हुआ है हमारा पोलराइजेशन, दैट मीन्स हाइपर पोलराइजेशन यानी कि पोलराइजेशन का ज़्यादा बढ़ जाना, एंड इन दूसरे सेंस में आप कहेंगे तो नेगेटिविटी का ज़्यादा बढ़ जाना। तो यह हो गया हमारा एक्शन पोटेंशियल का सिंपल सा एक्सप्लेनिंग ग्राफ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस की। जैसा हमने बताया ईपीएसपी और आईपीएसपी, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस का अंदर आना या अंदर आने की प्रोबेबिलिटी का इंक्रीज हो जाना आपके रिस्पेक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद, तो दैट इज कॉल्ड एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। और नेगेटिविटी के चार्ज का अंदर आ जाना न्यूरॉन्स के बाइंड होने के बाद, न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड होने के बाद, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसमीटर की जो कि सीएनएस में पाए जाते हैं, उनके रेस्पेक्टिव लोकेशन, मैकेनिज्म और उनके नेचर के अकॉर्डिंगली। आप सबसे पहले बात करते हैं हम गाबा की, तो गाबा का जो लोकेशन है वो थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसका जो काम करने का मैकेनिज्म है वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल पे और साथ ही साथ ही क्लोराइड चैनल को ओपन करने का काम करता है। इसका नेचर अगर आप बात करेंगे तो ये इनहिबिटरी नेचर का होता है। फ्रेंड्स, हमने पहले ही बात किया था, अगर आपको याद होगा, कि जितने भी ड्रग हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं या तो वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल या तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल को अफेक्ट करके शो करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमने ड्रग को इंक्लूड किया है वो सारे के सारे हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल को अफेक्ट करके अपना एक्शन शो करते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन पाया जाता है हमारे ब्रेन स्टेम में और स्पाइनल कॉर्ड में। इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो भी लिगेंड गेटेड आयन चैनल को अफेक्ट करके है और इसका जो नेचर है वो है इनहिबिटरी नेचर का, यानी कि नेगेटिव चार्ज को अंदर आने का अपॉर्चुनिटी देता है हमारा
इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगला है हमारा ग्लूटामेट। अग्लूटामेट पाया जाता है ऑल लेवल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसका भी मैकेनिज्म सेम टू सेम है, यानी कि लिगेंड गेटेड आयरन चैनल, बट इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, वो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है। देन वी टॉक अबाउट द एसिटाइलकोलीन। एसिटाइलकोलीन के बारे में आपने देखा है कि नर्व एंडिंग में, गैंग्लिया में, सिनाप्स में पाया जाता है, और इसका जो एक्शन का करने का तरीका है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी लिगेंड गेटेड आयरन चैनल को अफेक्ट करता है और इसका नेचर एक्साइटेटरी है। देन लेट्स टॉक अबाउट द डोपामीन। डोपामीन बेसल गैंग्लिया में पाया जाता है, ये भी हमारे लिगेंड गेटेड आयरन चैनल को अफेक्ट करके अपना एक्शन शो करता है, और इसका जो नेचर है वो है इनहिबिटरी नेचर का। और अडलास अगर हम बात करते हैं हिस्टामिन की, दैट इज अ लोकल हार्मोन टू, ये हमारे वेंट्रल पोस्टेरियर और हाइपोथैलेमस पे पाया जाता है। इसका भी काम करने का जो तरीका है वह है लिगेंड गेटेड आयरन चैनल को अफेक्ट करना, और इसका नेचर की अगर आप बात करते हैं तो ये है हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। और इसी के तरीके से जब आगे आप ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि कौन से ड्रग यूज किया जा रहा है, उसके हिसाब से आप ड्रग के नाम देखकर ये आराम से पता लगा सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है और उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे काम करने से कैसा रिस्पांस मिलेगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज इनफ फॉर द टुडेज लेक्चर। आज के वीडियो में हमने बात किया था न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, गाबा रिसेप्टर के बारे में, एक्शन पोटेंशियल के बारे में, और साथ ही साथ ये देखा था जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका लोकेशन क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आगे की वीडियो में बात करेंगे एनेस्थेटिक और प्री एनेस्थेटिक, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो आप सॉल्यूशन से कनेक्ट रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज बी इन टच and stay supportive. Thanks a lot.